हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो मैं हूं आपकी एजुकेटर सुनीता। तो आज मैं बात करूंगी मुगल वंश के आखिरी शासक औरंगजेब के ऊपर, और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही जो मुगल्स का प्री मुगल पीरियड है, या जिसको हम ग्रेट मुगल पीरियड बोलते हैं, उसका एंड हो जाएगा। और जो इसके बाद के रूलर्स होते हैं उसको हम पोस्ट मुगल पीरियड में रखते हैं। अगर इस बात से लेकर आपको कोई जानकारी नहीं है, तो जो मैंने मुगल पीरियड स्टार्ट करवाया था, तो मैंने चैनल पर एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, आप वह वीडियो देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे औरंगजेब के ऊपर, जो औरंगजेब है वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक होता है, और यह एक बहुत अच्छी प्रकार से अपने समय में शासन चलाता है। और इतिहास में जब यह गद्दी पर बैठा था, तो यह आलमगीर की उपाधि से धारण की थी, जिसका मीनिंग होता है विश्व विजेता। ठीक है स्टूडेंट, और यह जो औरंगजेब है, यह कट्टर स्वभाव का व्यक्ति होता है, जिस कारण से इसके समय में जो लोग थे इसको जिंदा पीर के नाम से इसको बुलाते थे। और इसके समय में जो हिंदू आमिर थी उनकी संख्या भी इसके राज्य में सबसे अधिक थी। और अकबर के बाद से जो गद्दी पर बहुत लंबे समय तक शासन करता है वह भी औरंगजेब था। तो इतनी सारी क्वालिटीज थी, तो फिर भाई बात ऐसी क्या हो गई कि जो मुगल वंश का जो पतन ही हो गया इसकी मृत्यु के साथ। तो क्या हुआ था कि इसने जो औरंगजेब है, इसने अपने समय में कुछ ऐसे गलत अनुचित कार्य किए थे, गलत डिसीजंस लिए थे, जिस वजह से इसने मराठों को, सिखों को, जाटों को अपना शत्रु बना लिया था। और जिस कारण से इसे जीवन भर उनके साथ युद्धों में उलझा रहा, इवन अपनी मृत्यु तक भी इसे उन लोगों ने चैन की सांस नहीं लेने दी। और साथ ही साथ जिन आमिरों की संख्या इसके राज्य में सबसे अधिक थी, इसके गलत कार्यों के कारण वह हिंदू जनता भी इसके खिलाफ हो गई थी। तो इस वजह से इतिहास में इसकी मृत्यु के उपरांत जो इतिहासकार है वे कहते हैं कि मुगल वंश के पतन का कारण औरंगजेब स्वयं ही था। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, तो यह है कि एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन औरंगजेब के ऊपर। तो ब्रीफ में जानना है तो क्वेश्चन तो आ रहे होंगे मन में कि भाई ऐसी क्या बात हुई कि औरंगजेब के साथ ही मुगल वंश का पतन हो गया। तो आज हम सब चीजें जानेंगे औरंगजेब के साथ और किसके साथ, मेरे साथ। तो चलते हैं अपनी बोर्ड की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। राज्याभिषेक करवाने वाला रूलर कौन था, तो औरंगजेब। तो 1659 ईस्वी में इसे दोबारा से राज्याभिषेक करवाया था दिल्ली में, और पहला था 1658 ईस्वी में कहां पे, आगरा में। स्थापत्य निर्माण की बात की जाए तो इन्होंने बनवाई थी मोती मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, और दूसरा इन्होंने बनवाया था बीवी का मकबरा, जो कि इन्होंने अपनी बीवी रबिया दुर्रानी की याद में बनवाया था। तो बीवी का मकबरा का नाम याद रखने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि बीवी का मकबरा, यानी इनकी ही तो बीवी के ऊपर इन्होंने याद में बनवाया था, तो रेड करके आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। और इसको क्या है, इसको जो बीवी का मकबरा है, इसको दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में दक्षिण में ही हुई थी, और मकबरा इस प्रकार से इनका है दौलताबाद में, और जो बुकिंग के ऊपर लिखी गई है वह आलमगीर नामा, यानी इनके इसी नाम के ऊपर यह है बुक लिखी गई, और लिखी किसने थी, मोहम्मद कासिम द्वारा लिखी गई थी। तो अब बात करते हैं औरंगजेब के विजय विस्तार के बारे में।
तो औरंगजेब को भी उत्तर व दक्षिण भारत हेरिटेज के रूप में उसको अपने आप ही इतना बड़ा साम्राज्य मिलता है। यह सब हो जो ये इतना बड़ा साम्राज्य है यह सिर्फ अकबर के कारण ही इन आगे आने वाले जो मुगल बादशाह थे उनको प्राप्त होता है, क्योंकि जो अकबर थे वह इतनी बड़ा एम्पायर अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ कर गए थे। शायद इसी कारण की वजह से जो ये मुगल थे जो आगे आने वाली जो जनरेशन थी इतने सालों तक राज कर पाई, इतना सुख भोग पाई, और जिस कारण क्या हुए जो आने वाले जो ये बादशाह थे विलासप्रिय हो गए और अपने शासन की तरफ ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाए। दूसरा कारण जो था वह था इनका उत्तराधिकारी का युद्ध, यानी गद्दी के लिए जो ये युद्ध करते थे उस कारण से भी मुगल जो एम्पायर था उसका डेक्लाइन का भी मुख्य कारण था, जिस वजह से वह खुद ही क्या कर रहे थे अपने जो एक साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर रहे थे। तो औरंगजेब का कारण भी वही बनता है, जब वह उत्तराधिकारी का युद्ध जीतता है गद्दी पर बैठता है तो उसके समय में क्या होता है उत्तर भारत की जो स्थिति है वह बहुत ही डावाडोल हो जाती है, जिस चक्कर में क्या करता है वह दक्षिण भारत पर ध्यान नहीं दे पाता है, और जो स्थिति है वह शाहजहां के काल से ही गड़बड़ होती आ रही थी। तो जिस कारण से क्या हो रहा था जो इनके अधीन जो स्टेट्स थे तो उनमें से कुछ तो नई जातियां उभर रही थी, कुछ क्या कर रहे थे अपने आप को स्वतंत्र करने के बारे में सोच रहे थे, जिस कारण से कुछ नए जो शक्तियां थी वह सामने उभर के आई और जो पुराने जो अधीन राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। तो अब हम बात करेंगे औरंगजेब के टाइम में हुए जाटों के सिखों और मराठों के विद्रोह के बारे में कि इन तीनों जातियों ने औरंगजेब के समय में विद्रोह क्यों किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाटों का विद्रोह, क्या कारण रहा था कि जाट जो थे वो औरंगजेब के खिलाफ हो गए थे। तो जो जाट थे ये एक जाति थी, समुदाय था उस समय का, और यह जो जाति थी यह यूपी राजस्थान ग्वालियर और उत्तर भारत में फैली हुई एक जाति थी। जो ये जाट लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना होता था और ये बड़े ही सिंपल लोग होते थे, बड़े सिंपल तरीके से अपना जीवन बिताने में गुजारने में विश्वास रखते थे। जब ये एक किसान वर्गीय लोग थे तो इन लोगों में मतलब ऐसी क्या बात हो गई थी कि ये औरंगजेब के खिलाफ उस समय में खड़े हो गए थे। तो बात हो गई थी कि जो ये अब्दू नबी आप यहाँ पे जो नाम देख रहे हो और ये औरंगजेब जो होता है, जैसा कि उस टाइम मुगल्स का पूरे उत्तर और दक्षिण भारत पर अपना राज था, तो जो औरंगजेब है इस अब्दू नबी को अपने रेफरेंस में भेजता है मथुरा, जो कि उत्तर भारत का एक क्षेत्र है, एक जगह है। तो वहाँ अपने सेनापति अब्दू नबी को वह तैनात करता है और जो अब्दू नबी को यह आदेश देता है कि ये वहाँ के मंदिरों को तुड़वाकर वहाँ पर मस्जिद बनाए, जिसपे कि जो ये जाट लोग हैं ये मथुरा के कुछ जगह में रह रहे थे। तो ये लोग यूं कहते हैं कि भाई अगर आप लोगों को मस्जिद बनवानी है तो आप लोग बनवाएं, लेकिन हमारे मंदिरों को ना तुड़वाएं। वैसे भी जो मथुरा जो भूमि है, जो मथुरा जो जगह है वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है और जो मथुरा में कृष्ण भगवान के बहुत जो विश्वास रखने वाले लोग बहुत हैं, कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। इस पर जाट लोग सामने आकर उनको बोलते हैं कि भाई आप मंदिरों को ना तुड़वाएं, बेशक आपको मस्जिद बनवानी है तो बनवाएं, लेकिन जो अब्दू नबी है अपने बादशाह का आदेश सुनकर वह क्या करता है मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिरों को तुड़वा कर वहां पर मस्जिद बनवाने लगता है, जिस पर जो ये गोकुल हैं इनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो जो एक जाटों के नेता के तौर पर जो खड़े होते हैं वह उभर कर सामने आते हैं गोकुल जाट, जो कि अब्दुल नबी से सामना करते हैं, इनके खिलाफ खड़े होते हैं, इनके खिलाफ विद्रोह करते हैं, जिसमें क्या होता है गोकुल जाट हार जाता है। फिर वैसे भी भाई ये जाट एक समुदाय था, एक वर्ग था, बेचारे किसान लोग थे ये लोग, तो इतने और फिर इतने बड़े बादशाह से टक्कर कैसे ले सकते थे। तो गोकुल जाट का हारना तो तय था। तो फिर फाइनली क्या होता है कि जो विद्रोह होता है उसको औरंगजेब कुछ समय के लिए रोक देता है, शांत कर देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने सेनापतियों को भेजता है, गोकुल जाट को पकड़वा कर लाया जाता है और आगरा में उसको बुलाकर उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, जहां पर उसकी बोटी बोटी काटकर उसके क्षेत्र गोकुल जाट के
क्षेत्र में उसको फिकवा दिया जाता है, जिस पर क्या होता है जो डार्ट लोग हैं उनके दिलों में औरंगजेब के खिलाफ इतना गुस्सा, इतना विद्रोह और इतनी जो उसकी एक असली इमेज थी जो कट्टर सुन्नी मुसलमान की लोगों के जाटों के सामने आती है और इस पर वह जाट बौखला जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जिसके जो विरोध में जो ये लोग जाट लोग हैं यह औरंगजेब का विद्रोह करते हैं उस समय में, ठीक है। और वैसे भी जो इन सब विद्रोह का कारण औरंगजेब का खुद का स्वभाव था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था तो वह क्या करता था, वह सीधा आर पार की बात करता था, या तो आप मेरी बात मान लीजिए नहीं सीधा मृत्यु दंड प्राप्त कीजिए। तो दूसरा जाटों का विद्रोह तो हुआ ही था, साथ ही साथ उसने हिंदू जनता को भी अपना विरोधी बना लिया था, क्योंकि जो ये औरंगजेब था यह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और यह कुरान का बहुत बड़ा समर्थक था, यह अपने कुरान से बहुत प्यार करता था। तो इसने अपने समय में हिंदू जनता को भी धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया, इसने कहा कि आप या तो धर्म परिवर्तन कीजिए और ना यहाँ से चले जाइए, जिस कारण से हिंदू जनता भी इसके समय में इसके खिलाफ हो गई थी। तो याद कीजिए अकबर जो इसके औरंगजेब के पैतृक थे, जिसने इतना अच्छा काम करके हिंदू जनता के दिल में अपनी जगह बनाई थी, हिंदू जनता को अपने साथ लेकर चला था, लेकिन औरंगजेब के गलत काम के वजह से, उसकी गलत नीति की वजह से हिंदू जनता भी उसके खिलाफ हो गई और औरंगजेब भी इन लोगों में अप्रिय हो गया। तो औरंगजेब के डेकलाइन का ये मुख्य कारण था कि उसकी धार्मिक कट्टरता और अराजकता ने भी लोगों को उसके खिलाफ किया था। तो जाटों का विद्रोह तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सिखों ने क्यों विद्रोह किया, सिख इसके खिलाफ क्यों हो गए थे उस समय में। तो जो सिखों के नौवें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, इसको भी औरंगजेब क्या होता है अपने समय में मृत्यु दंड दे देता है। तो गुरु तेग बहादुर का किस्सा कुछ इस तरीके से है कि उस समय में औरंगजेब के पास कुछ व्यक्ति जाते हैं और औरंगजेब को कहते हैं कि जो ये गुरुजी हैं ये चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, जिस पे औरंगजेब अपने सिपाहियों को भेजते हैं और बोलते हैं कि गुरु तेग बहादुर को दरबार में लेकर आए। तो गुरुजी दरबार में उनके हाजिर हो जाते हैं, जिस पर औरंगजेब कहता है कि या तो आप चमत्कार करके दिखाइए वरना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, यानी इस्लाम कबूल कर लीजिए। जिस पर गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि जो मेरा रहस्य है वह मेरी जंत्रावली जो कि मेरा कंठ है उसके अंदर छुपा हुआ है, तो आप मेरा सब कलंकन कर दीजिए जिससे कि आपको मेरे रहस्य का पता चल जाएगा। तो जिस पे औरंगजेब क्या होता है आदेश देता है उनका सर कलम करने का। तो जैसे ही उनका सर कलम किया जाता है तलवार के साथ उनकी जो गर्दन है वह जमीन पर गिर जाती है, उनके कंठ से ये जंत्रावली खोल ली जाती है जिसमें कि लिखा होता है सिरदार सिरे नादार। यानी मैंने अपना सर कटवा लिया लेकिन अपना रहस्य तुमको नहीं बताया। तो भाई जब इसके जब इन्होंने इनकी गर्दन कटवा दी तो इंसान मर ही जाएगा, तो उसी समय जो गुरु तेग बहादुर हैं वह मर जाते हैं। तो और लेकिन जब गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत जो गुरु तेग बहादुर हैं जो उनकी इमेज सिखों के लिए शहीदों के रूप में हो जाती है, वह सिखों में एक शहीद के रूप में गिने जाने लगते हैं, लेकिन औरंगजेब की इमेज उनके सामने भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से सिखों में भी बहुत गुस्सा भर जाता है, बहुत आक्रोश भर जाता है, क्योंकि जो सिख लोग हैं वे अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं और सबसे ऊपर अपने गुरुओं को रखते हैं। तो यह एक कारण था कि जिसकी वजह से जो ये सिख लोग थे जो सिख समुदाय था औरंगजेब के खिलाफ उसके समय में हो गया था, और फिर बाद में जाकर यह समुदाय एक लड़ाकू जाति के तौर पर उभर के आया और जिसने कि औरंगजेब के खिलाफ पूरी पूरी कोशिश की औरंगजेब को भारत से भगाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि औरंगजेब की डेकलाइन का दूसरा जो मेन कारण था वह थी खुद औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता तो ये कारण भी रहा था औरंगजेब का उसके डेकलाइन के लिए। आई होप आपको इसके विद्रोह के ये दोनों मुख्य कारण समझ में आ गए हों। आगे बात करेंगे हम मराठों के बारे में।
तो अब बात करते हैं कि मराठों और मुगल्स में विद्रोह क्यों हुआ था, इनके बीच संघर्ष का क्या कारण था। तो जो ये मराठे हैं, ये दक्षिण भारत का वह क्षेत्र जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, वहां की एक प्रमुख जाति थी मराठे। और यह सब घटना होती है 17वीं व 18वीं शताब्दी के दौरान की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, तो उसके समय में जो उत्तर भारत की स्थिति वह अच्छी नहीं थी। तो वह क्या करता है कि उत्तर भारत की स्थिति को अपने अंडर करने, उसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए उत्तर भारत में ठहरता है। और वैसे भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत का जो डिस्टेंस था वह काफी बड़ा था, तो जो दक्षिण भारत के जो एरिया थे, जो स्टेट्स थे, वहां के लिए वह अपने सूबेदारों और सेनापतियों को भेजता था। लेकिन वे लोग क्या थे, वह अपना काम अच्छी प्रकार से नहीं करते थे। और क्या कुछ यह भी कारण था कि वह जब अपने राजकुमारों को भी वहां भेजता है, तो वह लोग भी इतने आलसी थे, विलासी थे, जिस कारण से वह भी दक्षिण भारत की स्थिति को नहीं संभाल पा रहे थे। तो इस मौके का फायदा उठाते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी, जो कि मराठों के नेता होते हैं। और यही इस जो मुगल्स और मराठों के जो नेता हैं, मराठों की तरफ से जो हमारे शिवाजी हैं, वह अपने इस युद्ध का संकलन करते हैं, इस युद्ध का मोर्चा उठाते हैं। तो ठीक है, मराठों के जो नेता हैं वे कौन हैं, शिवाजी हमारे। और ठीक है, तो फिर जो बात हो रही थी कि जब वह अपने राजकुमारों को भी भेजते हैं, तो वह भी क्या होता है, विलासी होते हैं, आलसी होते हैं, और वह भी दक्षिण भारत की स्थिति को नहीं संभाल पाते हैं। और जो हमारे मराठों के नेता हैं शिवाजी, यह उस स्थिति का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाते हैं। यह उन दिनों के दौरान अपनी जो इनकी स्थिति है, अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बना लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जब तक औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचता है, तो वह जो शिवाजी है अपनी जो शक्ति है उसको बहुत इम्प्रूव कर लेते हैं। और जिस कारण से जो आगे चल के जब औरंगजेब और मराठों में विद्रोह होता है, तो उनकी स्थिति इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जिसके बाद में औरंगजेब या मुगल्स को हार का सामना करना पड़ता है। और जो ये जो मराठे हैं, यह एक अलग प्रकार की युद्धपत्ति रणनीति का भी प्रयोग करते थे। तो यह प्रयोग करते थे जो इनकी युद्ध नीति कह लीजिए, उसके लिए ये छापा मार युद्ध पद्धति या रणनीति का यूज करते थे। ये क्या करते थे, जो मुगल्स की छावनियां होती थी उस पर रात में जाकर धावा बोलते थे, जिसको हम गुरिल्ला गुरिल्ला रणनीति भी जिसको हम बोलते हैं। तो इनके लिए एक अलग प्रकार से इनका युद्ध करने का तरीका भी था, जो कि ये जो मुगल्स थे उन लोगों के लिए नया था। और इसका फायदा भी जो ये मराठे थे पूरा उठाते थे। रात में जाते इनकी छावनियों पर छापा मारते या गुरिल्ला नीति अपनाते और इनके खजानों को लूट लेते थे, और जो रास्ते में इनके विद्रोह कर देते थे। तो भाई जब औरंगजेब ने देखा कि ना तो मेरे राजकुमार स्थिति संभाल पा रहे हैं, ना मेरे सेनापति स्थिति संभाल पा रहे हैं, और तो और इनके जो सेनापति होते थे और जो जिनको अपने रेफरेंस में ये दक्षिण भारत में भेजते थे, वे लोग क्या करते, खुद ही मराठों से कुछ पैसों के लिए मराठों से मिल जाते थे। दक्षिण के जो सुल्तान होते थे, जो दक्षिण के राजा होते थे, उनसे मिल जाते थे। तो जिस कारण से जो दक्षिण भारत की स्थिति थी, वह भी औरंगजेब के हाथों से निकल रही थी। तो इन सब पर काबू पाने के लिए औरंगजेब निकलता है 1642 ईस्वी में दक्षिण भारत के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1682 ईस्वी में निकलता है दक्षिण भारत के लिए औरंगजेब। और जो 1682 के बाद से 1707 ईस्वी तक यह दक्षिण भारत में मराठों के साथ युद्ध में उलझा रहता है, और 1707 ईस्वी में जाकर युद्ध करते करते यह आखिरी जो सांस है वह भी दक्षिण भारत में लेता है। इसकी मृत्यु भी फिर वहीं पे ही मराठों के साथ लड़ते हुए दक्षिण भारत में ही हो जाती है। तो जब औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचता है तो इसका जो सामना होता है शिवाजी से, तो ये शिवाजी को नाम देता है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा, साहसी डाकू, इन नाम
बोलते हैं शिवाजी को, बोलता है कि वह तो पहाड़ी चूहा है, यानी क्योंकि शिवाजी को जो ज्यादातर जीवन था वह पहाड़ों में छुपते छुपाते और ऐसे घूमते हुए निकला था, तो वह उसको कहता है कि तो पहाड़ी चूहा है, साहसी डाकू है, क्योंकि ये बहुत जो 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 हमारे शिवाजी हैं इन्होंने बहुत सारे जो अटैक थे मुगल्स के टाइम पे किए थे, ये कभी भी उनके दरबार में घुस जाते थे, वहां पर पूरा विद्रोह मचा आते थे, उनके वायसराय को इन्होंने पीटा था, रास्ते में उनका मुगल्स का खजाना लूट लेते थे, तो जिस कारण से क्या है इन्होंने शिवाजी ने जो मुगल्स हैं इनको खूब परेशान किया था। तो औरंगजेब इनको बोलते थे कि ये तो पहाड़ी चूहा है, जब देखो पहाड़ों में छुपता घूमता रहता है, साहसी डाकू है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दो तो फिर जब औरंगजेब और फिर और दूसरा जो कारण था वह था औरंगजेब द्वारा जो शिवाजी हैं उनके पुत्र संभाजी को मरवा देना, क्योंकि तो जो औरंगजेब था वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वह उसके लिए कोई जो अगर कोई भूल कर देता था, कोई अपराध कर देता था, तो उनके लिए कोई क्षमा वाला कोई रोल ही नहीं होता था, वह किसी को क्षमा करने के बारे में तो सोचता ही नहीं था, वह सीधा उनको मृत्यु दंड दे देता था। तो क्या हुआ था कि औरंगजेब ने जो इनके पुत्र हैं संभाजी उनको मृत्यु दंड दे दिया था, और जिसके फलस्वरूप उन्होंने उनका सर कलम करवा दिया था, जो कि जो मुख्य कारण बना विद्रोह करने का मराठों के लिए, और मराठों ने जो मुगल्स हैं औरंगजेब के खिलाफ कई वर्षों तक युद्ध किया, और अंत में जो मुगल्स हैं उनकी जड़ों को दक्षिण भारत से बिल्कुल उखाड़ फेंका और अपने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, मराठों ने अपना एक नए स्टेट की स्थापना करी, और जो जो मुगल्स हैं वह आखिर में मराठों से हार कर जो अपना सारा अस्तित्व खो देते हैं, जिस पर इतिहासकार इनके बारे में लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि जो मुगल्स हैं औरंगजेब ने या जो औरंगजेब ने दक्षिण भारत के चक्कर में विजिट करने के चक्कर में अपना उत्तर भारत भी गवा बैठा। तो समझे स्टूडेंट्स, और जो इस युद्ध के बाद इस युद्ध का जो परिणाम होता है उसके फलस्वरूप भी हमें एक ये बात भी कह सकते हैं कि जो तैमूरी जो ये शासक थे इनकी अपनी आपसी जो इनकी आपसी एक यूनिटी ना होने के कारण भी जो ये मुगल थे इनका डेकलाइन का कारण बना था। तो इस प्रकार से तैमूरी वंश का अंत होता है औरंगजेब की मृत्यु के साथ। अब बात करेंगे औरंगजेब की कुछ अनुचित नीतियों के बारे में, जो भी क्या होता है औरंगजेब की डेकलाइन का, मुगल्स की डेकलाइन का मुख्य कारण बनती है कि औरंगजेब ने ये गलत डिसीजन लिए थे, गलत काम किए थे, जिस वजह से उसको आगे जाकर अपने पतन का मुख देखना पड़ा। तो इसकी अनुचित नीतियों में जैसा कि सिक्कों पर कलमा लिखवाना इसने बंद करवा दिया था अपने समय में, इससे पहले के जो भी बादशाह थे वह सिक्कों पर अपना नाम लिखवाना कलमा गुदवाना ये जैसे कार्य करते थे। नव वर्ष उत्सव मनाने पर रोक, इससे पहले के जो बादशाह थे जो नया वर्ष मनाते थे, इसने अपने समय में क्या किया लोगों के साथ जो इसकी जनता थी उनके साथ यह उत्सव मनाना बंद कर दिया। उसके बाद इसे मादक पदार्थों पर भी इसने रोक लगाई थी, इसने घरों का दर्शन व बादशाह का वजन करने का जो एक पहले के बादशाह जो करते थे वह कार्य भी समाप्त कर दिया था। इससे पहले के जो बादशाह थे वह रोज आकर अपनी जनता को धरो का दर्शन देते थे और अपने जन्मदिन के अवसर पर वह बादशाह अपना वजन भी करवाते थे, लेकिन इसने यह कार्य भी अपने समय में बंद कर दिया था। जजिया कर का पुनः लागू करवाना, जो जजिया कर अकबर ने अपने समय में बंद करवा दिया था और जिस कारण से उसने हिंदू लोगों का दिल जीता था, हिंदू लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई थी, वह इतना अच्छा कार्य औरंगजेब ने आगे जाकर क्या किया दोबारा से शुरू कर दिया, जिससे कि हिंदू जो लोग थे हिंदू जो जनता थी उसकी नजरों में जो औरंगजेब था उसकी जो एक आदर था इज्जत थी वह उस समय में ही कम हो गई थी। गुरु
और ये कब हुआ था, 1679 ईस्वी में। और गुरु तेग बहादुर की मृत्यु भी कब हुई थी, 1679 ईस्वी में। तो आप इन दोनों को रिलेट करके या इन दोनों की जो ईयर डेट है सेम है, याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि जजिया का कब पुण्य लागू किया और गुरु तेग बहादुर की मृत्यु कब हुई थी। इसने दरबार में संगीत पर रोक लगाई थी, इसने हिंदू विरोधी नीतियां अपनाई थी जिस कारण से ये हिंदू लोगों में अप्रिय हो गया। और अपने समय में जो अकबर थे उनके समय में जो हिंदू जनता जो उनके क्लोज आई थी उनके साथ जो अकबर है उन्होंने इतना अच्छा मेलजोल बिठा लिया था, उनको अपने तरफ कर लिया था। औरंगजेब ने क्या किया, हिंदुओं को अपने से दूर कर दिया, हिंदुओं के दिलों में अपने लिए गलत छवि बैठा ली। और जो ये औरंगजेब था इसका स्वभाव भी एक कारण था, क्योंकि ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था तो ये लोगों को, ये इस्लाम का बड़ा ही पुजारी था तो ये हिंदू लोगों को कहता था कि तुम भी इस्लाम कबूल करो, जिससे कि क्या हुआ ये हिंदू लोगों में अप्रिय हो गया और हिंदू जनता भी इसके टाइम में इसके खिलाफ हो गई। इसने वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया, साथ ही साथ इसने उत्तर भारत के काफी सारे हिंदुओं के हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था, जिसकी वजह से आगे जाकर इसको पतन का मुख देखना पड़ता है। तो ये इसके थे कुछ अनुचित नीतियां, कुछ गलत डिसीजन जो कि इसको ले गए आगे जाकर इसके डेक्लाइन की ओर। तो जैसा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका बेटा मुअज्जम गद्दी पर बैठता है और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही हमारा जो ग्रेट या प्री मुगल पीरियड है समाप्त हो जाता है। और जब जब इसका बेटा का जब पीरियड आता है तो तब से क्या होता है, पोस्ट मुगल पीरियड शुरू हो जाता है। जो इसके बाद के जो भी जो मुगल रूलर्स हैं वो पोस्ट मुगल पीरियड में आएंगे। तो फिर जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका बेटा मुअज्जम बैठता है किस उपाधि के साथ, बहादुर शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है, जो कि इतिहास में फेमस है, हिस्ट्री में फेमस है शाह बेखबर के नाम से। और इसके नाम के ऊपर अधिकतर जो एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मुगल रूलर्स हैं ऐसा उसमें कौन सा शासक है जो शाह बेखबर के नाम से इतिहास में फेमस है। और इसको यह नाम क्यों दिया गया, जैसा कि नाम है बेखबर तो जिसको अपने आसपास की कोई खबर ही ना हो, तो इसलिए जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये अपने शासन पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं देता है, हमेशा ही अपना विलासिता में डूबा रहता है, जिस कारण से इसको बाद में जाकर नाम दिया गया शाह बेखबर। तो इतनी बात हो गई। चलो इसी के साथ मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ जिससे कि आपको आगे जाके हेल्प होगा। जब बात चली रही है पोस्ट मुगल पीरियड के बादशाहों के बारे में, उन रूलर्स के बारे में, तो लास्ट रूलर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जो लास्ट मुगल रूलर है वह हमारा बहादुर शाह द्वितीय, और ये कौन सा है, बहादुर शाह प्रथम। अब आप वैसे आपको याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो लास्ट मुगल है बादशाह या रूलर की बात होगी तो वह होगा बहादुर शाह द्वितीय। और जो औरंगजेब के बाद जो पोस्ट मुगल पीरियड का पहला बादशाह आया है वो है बहादुर शाह प्रथम। तो ये बहादुर शाह द्वितीय को जब 1857 की क्रांति होती है तो हिंदू जनता ऐसे अपने राजा के तौर पर इसको गद्दी पर बैठा देती है, जिसको कि बाद में जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, इसको बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज देते हैं। क्योंकि जब तक तो आप, या अगर आप ध्यान दो तो जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनका शासन आ जाता है। जहां पर 1872 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के साथ ही सदा सदा के लिए मुगल वंश का अंत हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का अंत हो जाता है। तो ये था पूरा मुगल वंश को लेकर एक डिटेल वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक्स के साथ रुकना नहीं चाहिए, और इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि नॉलेजेबल है, यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।